दोस्तों, आकाए दो जहां सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को याद रखो। और कुरान पाक में खुदाए बुजुर्गो बरतर ने इरशाद फरमाया है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, के हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में इंसान बहुत सारी ऐसी चीजें देखता है जो कि इंसान को इस जिंदगी के खत्म होने की तरफ ले जाने वाले फैक्टर यानी मौत का इशारा देती हैं। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में जो क्लिप आपको हम दिखाने वाले हैं, ये खातून ने रिकॉर्ड किया और ये क्लिप कब्रिस्तान के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि एक खातून है जिसने मास्क लगाया है, टी शर्ट पहनी है, स्टॉलर लिया है और नीचे जीन्स पहनी हुई है। और ये औरत कब्रिस्तान में न जाने किस काम से गई है, हो सकता है किसी अजीज की कब्र पर गई हो, और इसे पता नहीं क्या सूझी कि पूरा कब्रिस्तान जो कि बिल्कुल खाली पड़ा है और ये वक्त भी शायद दोपहर का है, उस वक्त इसने सेल्फी कैमरा ऑन करके एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। जबकि वीडियो रिकॉर्ड करके अपने घर वापस लेकर आई और दोबारा देखा तो इसे इस वीडियो में कुछ थोड़ी सी एनोमलस चीज नजर आई, एक चीज बड़ी वियर्ड दिखाई थी। और वो ये थी कि जब इसने दोबारा वीडियो प्ले की तो इसे दबी दबी आवाज में हेल्प हेल्प यानी मेरी मदद करो की आवाज आ रही थी। अब इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें और इसका फोरेंसिक ऑडिट करें तो आपको अंदाजा होगा कि दूर दूर तक कोई शख्स भी मौजूद नहीं है, न बंदा न बंदे की जात आपको कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद ये जो आवाजें आपको आ रही हैं, ये आवाजें यकीनी तौर पे करीब मौजूद किसी कब्र से आ रही हैं। इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए और बताइए कि इस बारे में आपकी क्या राय है। कमेंट सेक्शन में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस क्लिप के अंदर हम लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक औरत है, वीडियो बना रही है और बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं जो आपको और मुझे इस बात की जानिब राग़िब कर रही हैं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।